आजकल हमें देखने को मिलता है कि लव जिहाद के काफी केसेस आ रहे हैं और हिंदू काफी बोल रहे हैं इस चीज से रिलेटेड. पर मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर किसी हिंदू लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो गया, वो प्रेम में फंस गई, तो इसमें गलत क्या है? ये समझने की जरूरत है कि प्यार की क्या परिभाषा है. वो प्यार नहीं है. अगर ये प्यार है तो नाम बदलने की क्या जरूरत है? आपको अब्दुल से सोनू बताने की क्या जरूरत है? आपको इरफान से मोहित बताने की क्या जरूरत है? आपको साजिद से एक्स वाई जेड कोई भी हिंदू नाम बताने की क्या जरूरत? प्यार है ना, तो बताओ कि हाँ मैं अब्दुल हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बताओ कि मैं साजिद हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बताओ कि मैं इरफान हूँ, पठान हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं बता रहे ना, क्यों नहीं बता रहे? अगर ये प्यार है तो ये कैसा प्यार है कि दूसरे को बेवकूफ बना करके अपने जाल में फंसाने वाला, ये कोई प्यार होता है? ये प्यार नहीं है, ये धोखा है. जो शादी से पहले ही धोखा दे रहा है, नाम बदल के बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, वो प्यार है? वो तुमको शादी के बाद सुखी रखेगा? और बहुत सी लड़कियां ऐसा कहती हैं, जब उनको कोई समझाए या आप जैसी कोई लड़की समझाए या कोई भाई समझाए या कोई अन्य व्यक्ति समझाए, समाज का व्यक्ति समझाए कि बेटा ऐसा मत करो, बहन ऐसा मत करो, दीदी ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरे वाला साजिद ऐसा नहीं है, मेरे वाला सलमान ऐसा नहीं है. वो ऐसा तर्क देती हैं और कुछ दिन बाद पता चलता है कि मेरे वाला अब्दुल भी ऐसा ही था, मेरे वाला सलमान, साजिद, इरफान ये भी ऐसा ही था. और मैं एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़कियों से नाम बदल कर के विवाह कर लिया, निगाह कर लिया, उसके बाद वो दुर्गति हुई कि हम सोचेंगे तो भी दिल कांप जाएगा, पीड़ा होने लगी कि ऐसा भी कोई कर सकता है. एक लड़के ने एक लड़की को बुलाया और अपना नाम अलग बताया, उससे प्यार का ढोंग रचा, फिर उससे छुपा छुप के निगाह कर लिया, फिर उसके साथ व्यभिचार किया, दुराचार किया, और उसी ने नहीं किया, उसके पिता ने, उसके मामा ने, उसके मौसा ने, उसके दोस्तों ने, उसके यारों ने, उसके पड़ोसियों ने, संबंधियों ने उसके साथ दुराचार किया. तो ये प्यार है? तो मैं तो हिंदू लड़कियों को कहूंगा कि ऐसे लोगों से बचें. और क्या जरूरत है तुम्हें मुसलमानों से शादी करने की, क्या जरूरत है? हाँ लगता है कि बहुत ज्यादा एक्चुअल है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, बहुत एक्सेप्शनल रेयर केस है, वो ऐसा होगा नहीं. तो इसीलिए खुद को बचाओ इन जिहादियों से, इन आक्रांताओं से, इन ढोंगियों से, इन आतंकवादियों से. एक भी मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से प्यार नहीं कर रही, वो जब जागरूक है तो तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है? अरे भाई थोड़ा सा अवेयर हो जाओ. हाँ 1% एक्सेप्शनल केसेस है, उनको हटा दो, उनको फ्रेम से बाहर कर दो, लेकिन 99% प्यार नहीं है, वो धोखा है, वो तुमको बहलाने फुसलाने की साजिश है. तो मैं तो हिंदू लड़कियों से कहूँगा कि भाई ना फंसो इसमें. अगर जीवन को नरक बनाना चाहती हो जीते जी, तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, ज़बरदस्ती तो हम किसी से करने, हम तो निवेदन कर सकते हैं कि मत फंसिए, इससे नुकसान होगा, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा. और ये प्यार नहीं है, फिर कह रहा हूँ.